हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। अन्वेशास क्रिएटिविटी के सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में पुरानी या अनयूज्ड बेडशीट हमेशा सबके घरों में होती हैं, जो कि हम हमेशा डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज मैं उनसे बनाने जा रही हूँ 15 ऐसी चीजें जो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। 15 ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो आपके घर की सजावट में और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं, और उन चीजों को देखने के बाद में आप अपनी पुरानी बेडशीट्स को कभी भी नहीं डिस्कार्ड करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इन सभी DIY के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DIY प्लेलिस्ट दी हुई होती है, हमेशा ही आप उसमें से चेक कर सकते हैं। तो अनयूज्ड बेडशीट को यूज़ करने का पहला तरीका जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि आप इस तरीके से कोई भी, अगर आपके पास बेडशीट है जिसको आप अब यूज़ नहीं करते हैं और वो देखने में बहुत अच्छी है, या प्रिंट उसके अच्छे हैं, या कलर काफ़ी अच्छा है, तो इस टाइप से आप सोफ़ा थ्रो बना सकते हैं। ये दो सोफ़ा थ्रो मैंने बनाए थे और आपके साथ में शेयर भी किया था। एक का तो प्रॉपर लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना और आप सबको काफ़ी पसंद भी आया था। मैंने शेयर किया था अभी हाल ही में एक DIY वीडियो उसका, तो इस वाली को कैसे बनाया था, जस्ट सिंपल सा आप देख सकते हैं। मैंने बेडशीट को बीच में से लंबाई में कट किया और कट करने के बाद में उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर दिया। और इस बेडशीट का फ़ायदा ये है कि मैं दो साइड से इसको यूज़ कर पाती हूँ, कभी इस साइड से यूज़ कर दिया और कभी इस साइड से यूज़ कर लेती हूँ। अब चूंकि इसके अंदर पहले से ही टैसल लगे हुए थे, तो मुझे इसमें अलग से कोई भी टैसल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये काफ़ी सुंदर और स्टाइलिश लगती है, और मेरे जो सोफ़ा है उसको बहुत ही अच्छा नया लुक क्रिएट करने में हेल्प भी करती है। यूज़ नंबर टू के लिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप इस टाइप से, अगर आपके पास में कोई भी लकड़ी का अनयूज्ड स्टूल है या जो कि देखने में बहुत ही भद्दा लगता है, तो आप उसका कवर इस तरीके से बना सकते हैं और अपनी जो स्टूल या लकड़ी की टेबल है या छोटी सी भी मेज़ वगैरह है, उसको एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने भी इस तरह के कई सारे कवर अपनी इस लकड़ी की टेबल के बनाए हुए हैं, और आपके साथ में अभी ये वाला जो है ये मैंने हाल फिलहाल में ही शेयर किया है। इसके अलावा मैंने 2 से 3 और भी हैं मेरे पास कवर, जो कि बेडशीट के मैचिंग मैंने बना रखे हैं पुरानी बेडशीट से। तो एक मेरे पास क्रीम कलर का है, वो मैंने कर्टन से बनाया था, तो आप कर्टन से भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप कॉटन का थोड़ा मोटा सा चाहते हैं, तो आप इसको कोई भी पुरानी बेडशीट से बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगी इस टाइप की एक बड़ी शीट की, जो कि आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। ये बेडशीट थी मेरे पास एक पुरानी, इसके अंदर मैंने प्लास्टिक शीट डाल करके और इसके ऊपर एक बड़ी सी ये शीट बना दी है। इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में छोटे बेबी हैं जो कि बेड बेडिंग करते हैं, यानी कि रात को बिस्तर गीला करते हैं, तो आप इस तरीके की शीट बना करके बच्चों के नीचे स्प्रेड कर सकते हैं। इससे आपका मैट्रेस जो है वो ख़राब नहीं होगा, या फिर आप एज ए मैट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ज़मीन पर बैठ करके हम कई चीज़ें लिखते हैं, पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसके लिए भी काम आता है। या फिर कई बारी हम बेड पर बैठ करके टीवी देखते हुए जो सब्जियां छीलते हैं, काटते हैं, तो इसको लगा लेंगे तो हमारी, जैसे सब्जियों में कई बारी पानी होता है तो वो भी, उससे भी हमारी बेडशीट ख़राब हो जाती है, तो वो भी नहीं होगी। और मैंने ये जो बनाया था, ये मैंने बनाया था कि जैसे कई बारी टीवी देखते देखते हम लोग खाना खाते हैं बेड पर, तो उसे खाना गिरने का खतरा रहता है, तो मैंने ये जो बनाया है इससे आप घर में जब भी बेड पर बैठ करके खाना खाएं, तो आप, वैसे खाना नहीं चाहिए बेड पर बैठ करके, लेकिन अगर जिनका घर छोटा है तो वो अगर बेड पर बैठ करके खाना खाते हैं, तो वो ये वाली जो शीट है इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आइडियाज़ देती हूँ, जैसे कई लोग अनाज भरते हैं अपने घर में, तो मैंने बहुत जगह देखा है, इनफैक्ट हमारे यहाँ पंजाब में तो मैंने बहुत घरों में देखा है, गेहूँ भर के रखते हैं, फिर उसको धो करके धूप में सुखाते हैं, तो
कई लोग ना मैंने देखा है यहाँ पर कि वो डायरेक्ट मंजी के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि फोल्डिंग पलंग पर डाल देते हैं, तो उसकी जगह अगर आप इस तरह की शीट के ऊपर डालेंगे तो ये है कि सूखेगा भी आराम से और आपका जो फोल्डिंग है या मंजी है वो खराब नहीं होगी, तो आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पर मैं बात करूंगी इस टाइप के एप्रेन की। ये आपको देखने में केवल एक शीट लग रही है, लेकिन ये है एक एप्रेन जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी DIY आप देख रहे हैं इन सभी के लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा देती हूँ, DIY प्लेलिस्ट, उस पर जा करके आप चेक करेंगे तो सभी DIY के स्टेप बाय स्टेप लिंक जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो उसमें काफ़ी सारे आर्ट एंड क्राफ्ट भी हैं, DIY भी है, स्टिचिंग के भी आइडियाज़ हैं, तो आप वो चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप का जो सिंपल सा एप्रन है जो आप खाना बनाते समय, कुछ भी काम करते समय आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी आपका केवल फैब्रिक का नहीं है, ये भी एक प्लास्टिक शीट यूज़ करके बनाया गया है। किस तरीके से बनाया है इसका प्रॉपर लिंक आपको मेरे आई बटन पर, सॉरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख बना सकते हैं। और मैंने तो ये सिंपल सा बनाया है, अगर आप इसमें यहाँ पर इस तरीके से कट कर देंगे यहाँ पर और फिर स्टिचिंग कर देंगे तो आपका थोड़ा सा डिज़ाइनर बन जाएगा, बीच में पॉकेट लगा सकते हैं। तो ये तो सारी आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। ये मैंने सिंपल बेसिक इसलिए बताया था कि जिनको स्टिचिंग नहीं भी आती वो भी बना सकते हैं। पांचवें नंबर पे मैं आपके साथ में बात करूंगी इस टाइप के फैब्रिक ऑर्गेनाइजर जो कि साड़ी ऑर्गेनाइजर हैं। तो इसमें अगर आप अपनी कोई भी हैवी वर्क की साड़ी वगैरह अगर आप रखते हैं तो वो आपकी साड़ी काफ़ी सेफ रहेगी। और इसका भी स्टेप बाय स्टेप लिंक ट्यूटोरियल जो है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, DIY प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। तो पुरानी बेडशीट से ये भी बना सकते हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेडशीट थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो ये भी मैंने आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, इसको भी ज़रूर बना सकते हैं आप अपनी बेड। तो छठे नंबर पर मैं बात करूंगी आपके साथ में, इस तरह के कुशन कवर भी बना सकते हैं आप पुरानी बेडशीट से या जो आपकी अनयूज्ड बेडशीट है। और मैंने ये पुरानी ही बेडशीट का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है। ये काफ़ी हल्के कलर की बेडशीट थी मेरी, और यूज़ करने के बाद में मैंने इसके ये कुशन कवर बनाए हैं दो, और इसका ट्यूटोरियल भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा मेरी DIY प्लेलिस्ट पर। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इस टाइप की, देखिए बिल्कुल नए हो गए हैं। और मैं मैचिंग बेडशीट के साथ में काफ़ी बार बिछाती हूँ इसको। आठवें नंबर पर मैं बात करूंगी इस टाइप का आप डाइनिंग टेबल का कवर बना सकते हैं अपनी किसी भी पुरानी बेडशीट से। तो अगर आपके पास सिंगल बेड की बेडशीट है तब तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास डबल बेड की बेडशीट है तो उसको जस्ट लंबाई में आप हाफ कर लीजिए और कुछ नहीं करना है, सिंपल बिल्कुल आपको किनारे मोड़ने हैं चारों तरफ से। और मैंने तो इसको थोड़ा सा और नया सा अच्छा सा लुक देने के लिए इसके ऊपर एक लेस लगा दी है जो कि मेरे पास बची हुई थी। लेस को लगाने का तरीका है सिंपल, पहले यहां से हमने लगाया और लगाने के बाद में एक सिलाई इसके ऊपर भी मार दी पूरी लेस के ऊपर, तो ये देखने में ज्यादा सुंदर लगती है। तो आप किसी भी बेडशीट से इस तरीके से आप बना सकते हैं डाइनिंग टेबल का कवर, लेकिन कवर बनाते समय इस तरह का ध्यान रखें कि अगर आपकी बहुत ही छोटा प्रिंट है या फिर स्ट्राइप में है और छोटे छोटे प्रिंट वाली है, बहुत ज्यादा डार्क ना हो तो ही अच्छी लगती है। अगर बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर जो होते हैं तो वो अगर प्रिंट में है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको पसंद है। बाकी बड़े बड़े प्रिंट वाली जो बेडशीट्स होती हैं उसका अच्छा नहीं लगता। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं इसमें प्रिंट तो बड़े ही हैं लेकिन ये सेल्फ डिज़ाइन है तो इसीलिए ये उतना ख़राब नहीं लग रहा है। अगर सोचिए यही वाले प्रिंट किसी और कलर से बड़े बड़े बने होते तो ये उतना सुंदर ना लगता। तो इस तरीके से इस चीज़ को, टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी पुरानी बेडशीट से या अनयूज्ड बेडशीट से अपनी डाइनिंग टेबल का कवर बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही आसान है बनाने में। नौवें नंबर पर मैं बात करूंगी इस टाइप का, आपके पास अगर कोई भी पुरानी बेडशीट है तो आप उससे अपनी वॉशिंग मशीन का कवर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर प्लास्टिक लगा सकते हैं, चाहें तो फैब्रिक से बना सकते हैं। ये मेरा काफ़ी साल पुराना है, मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। और ये देखिए ये मैंने केवल फैब्रिक से बनाया था, और जैसे ये बनाया है सेम इसके अंदर आपको प्लास्टिक शीट कोई भी लगा करके आप इसी तरीके से वैसे भी बना सकते हैं जो कि धूप धूल मिट्टी के साथ साथ बारिश से भी बचाव करके रखेगी। मेरे यहाँ पर बारिश तो इस साइड में नहीं आती लेकिन धूल
और हल्की फुल्की धूप आती है, तो इसीलिए मैंने केवल फैब्रिक से बनाई हुई है। तो आप बेडशीट से भी इस तरह की कोई भी अपनी वॉशिंग मशीन का कवर बना सकते हैं। 10वें नंबर पर मैं बात करूंगी इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स की, और ये इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र आपके घर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मैंने भी अपने लिए ये बनाया है और इसमें मैंने साड़ियाँ थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं, इसके अंदर जिप लगी हुई है। और आप में से किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि मैं ये शेयर करूँ आपके साथ में कि किस तरीके से बनाया है, मैं जल्दी शेयर करूँगी। एक्चुअली तो क्या हुआ कि लॉकडाउन के चलते मेरे पास जिप नहीं है और बिना जिप के ये उतना अच्छा बन करके नहीं लगेगा, तो जब मैं जिप ले लूँगी तब आपके साथ में ये जरूर शेयर करूंगी। और एक बड़ा ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी जिसमें आप इस तरीके से कपड़े रख सकते हैं, और इसमें मैंने तो साड़ियां रखी हैं, आप किसी भी तरह के कपड़े रख सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ कि इस टाइप के जो कपड़े हैं आप ऑर्गेनाइजर बना करके, अगर आप आयरन के लिए कपड़े भेजते हैं तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजर में भेज सकते हैं, वो देखने में थोड़े से स्टाइलिश भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर भी आप अपनी पुरानी बेडशीट से बना सकते हैं। तो 11th नंबर पे मैं बात करूंगी कि अगर आपके पास कोई एम्बेलिश्ड, आपके पास कोई भी बेडशीट है या कोई काफ़ी अच्छी सुंदर प्रिंट वाली बेडशीट है, जैसे कि कांथा वर्क है या राजस्थानी वर्क है, तो या जयपुरी प्रिंट की कोई आपके पास बेडशीट है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि जयपुरी प्रिंट की बेडशीट्स के कलर तो उतरते नहीं हैं जल्दी, तो उनसे आप कोई भी एक सुंदर सा फोटो फ्रेम बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला फोटो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी एक पुरानी कुर्ती से बनाया था, और किस तरीके से बनाया था इसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपके पास कोई सुंदर बेडशीट है प्रिंटेड, जिसका प्रिंट बहुत अच्छा है, बल्कि इसके कांथा वर्क की जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं उसके कपड़े से भी आप बहुत सुंदर इस तरह के फोटो फ्रेम बना करके तैयार कर सकते हैं। 12th नंबर पे मैं बात करूंगी आपके साथ में इस तरह के मैट्रेस अगर आपके घर में भी हैं और उनको अगर आपने मैट्रेस कवर से कवर नहीं किया है तो आपके मैट्रेस जल्दी खराब होते हैं, तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी बेडशीट्स हैं जो कि डबल बेड की हैं तो उनसे आप अपने मैट्रेस के कवर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका DIY मैं आपके साथ में जल्दी ही लेकर के आऊंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन आपकी जो मैट्रेस हैं उनको काफी लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखता है। 13 नंबर पर भी मैं बात करूंगी मैट्रेस से जुड़ी हुई ही एक चीज की, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो मैट्रेस की कवर भी कर लेते हैं, लेकिन कवर के अलावा मैट्रेस प्रोटेक्टर अगर उनके पास नहीं है तो उनके मैट्रेस जो हैं कॉस्टली मैट्रेस जो होते हैं वो जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। तो आप अपनी कोई भी ओल्ड बेडशीट से मैट्रेस प्रोटेक्टर बना सकते हैं, इसका DIY भी मैं अपने चैनल पर बहुत जल्दी ही लेकर के आऊंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ही आसान है और घर में ही हम बिना खर्चे के ही अपने घर में मैट्रेस प्रोटेक्टर बना सकते हैं। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर भी जरूर बनाइएगा और इन दोनों DIY के लिए मेरे चैनल पर वेट कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। 14 नंबर पर मैं बात करूंगी आप पुरानी बेडशीट से, कोई भी बेडशीट से आप इस तरह का बेडसाइड कैडी बना सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसका DIY भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ज़रूर बनाएं। 15 नंबर पर बात करूंगी आपकी पुरानी बेडशीट से इस तरीके से आप कोई भी फुटमैट बना सकते हैं, जो इसका चैनल पर इसका भी DIY आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो बहुत ही आसान है इसको भी बनाना, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के लिए लिंक मैं ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगी, DIY प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में आपके साथ में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव।